वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं मोहम्मद हादिस। आज की टॉपिक वीडियो में जो है एमसीएस में वो एसआरपी का है, यानी रिस्ट्रिक्शंस करना है अपने सॉफ्टवेयर्स को। ये जो टॉपिक है गाइस, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी का है, जिसमें क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर चाहें वो बंद कर सकें, पाबंदी लगा सकें यूजर्स के साइड के, उससे यूजर चला पाए या ना चला सकें। तो उसी वीडियो को लेकर चलते हैं। और याद रहे, हमने लास्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तक देखा था, तो एक सॉफ्टवेयर हम नोटपैड प्लस प्लस करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, ताकि हम उस पर पॉलिसी लगाएं कि यूज़र उसको इजाज़त नहीं है कि यूज़र उसे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो जो स्टेप्स हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाले वो हम जल्दी जल्दी करेंगे, और उसके बाद हम कहाँ आएंगे, सीधा जो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वरना हम जस्ट सिंपल क्या करते हैं, जो फॉलो स्टेप्स हम लास्ट वीडियोस तक करते आए उन्हें हम जस्ट फॉलो करके आगे चलेंगे। तो गाइस गौर कीजिएगा कि हम क्या करते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर पे आने के बाद स्टार्ट पाउज ब्रेक करते हैं हम, और करने के बाद हमने यहाँ से इसको क्या किया, चेंज सेटिंग्स, और चेंज सेटिंग्स के बाद हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं और उसको डोमेन अप्लाई करते हैं एज यूजुअल, हम जैसे करते आए हादिस डॉट लोकल। पास यूजर नेम हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड बिन 2012। सर्वर मशीन पर हम वापस आते हैं, आने के बाद हमने यहाँ से क्या किया करना है कि हमने एक यूएसबी कनेक्ट करी है, और यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए सर्वर मशीन पे हम जो यहाँ पर ये वाले स्टेप्स हैं हमने कहा था, इस वाले एरो पे क्लिक करके हमने यूएसबी कनेक्ट करनी होती है अगर सर्वर पे कनेक्ट नहीं है। और कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट ई करते हैं, माय कंप्यूटर पे आते हैं, और आने के बाद जो यूएसबी लगाई हमने उस पर डबल क्लिक करते हैं। एक उसमें इंस्टॉलर है नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉलर, इसको हमने कंट्रोल सी करके कॉपी किया। बैक आते गाइज, आने के बाद जो सी ड्राइव है उस पर डबल क्लिक करके हम एक फोल्डर बनाते हैं डेटे के नाम से, और उस फोल्डर पर इंटर करके यानी उस पर हमने ये जो सॉफ्टवेयर है उसको पेस्ट किया। याद रहे, जो फोल्डर हम बनाते हैं उसको शेयर करना लाजमी है। कुछ क्लास हम समझ ले रिपीट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज पर आने के बाद शेयरिंग पर आते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर के बाद इस फोल्डर को हमने एवरीवन के साथ ऐड करके शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद इसे डन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये फोल्डर हमारा शेयर हो गया। क्लोज करते हैं। टूल्स पे आने के बाद गाइस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आते हैं, क्योंकि ओयू हमने एक बनाया था और उस ओयू के अंदर एक यूज़र फहद बनाया था। हम चाहते हैं कि उस यूज़र पर वो नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर हम पब्लिश करें। क्रिएटर जीपीओ करते हैं हम, और इसको भी हम यहाँ से नाम सॉफ्टवेयर देके ओके करते हैं, और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आने के बाद इसे एडिट करके सॉफ्टवेयर पॉलिसी तक जाकर उसे पब्लिश के स्टेप्स तक फॉलोइंग करते हैं। यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पे आए, आने के बाद यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन न्यू पैकेज, पैकेज हमने क्या बताना है, सर्वर की आईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये रॉन्ग हो जाए तो हमारा पूरा पैथ यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होती। हमने डेटे का नाम बताया, और जो यहाँ से इंस्टॉलर है वो इंस्टॉलर हमने आके हमने ओपन करा और पब्लिश पर साइन लगा के ओके कर देते हैं। पब्लिश पर साइन लगा के जैसे हमने ओके किया, सॉफ्टवेयर कुछ ही देर में हमारे स्क्रीन पर नज़र आ जाता है कि वो ये जो स्टेप है वो पब्लिश मोड पर है, और हमने यहाँ से तमाम स्टेप्स कर लिए। स्टार्ट आर करके हम जी पी अपडेट इंटर, स्टार्ट आर जी पी अपडेट, और ये तमाम स्टेप्स करके हमने इसे जी पी अपडेट करना है। करने के बाद जब तक जी पी अपडेट हो रहा है, हमने यूज़र्स की तरफ आकर कंप्यूटर पर आते हैं, यूज़र कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट करते हैं, स्विच यूज़र करते हैं, फहद वाले यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा। जो सिंपल हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहा है क्या वो इंस्टॉल हो गया या नहीं, या इंस्टॉलेशन के मेथड क्योंकि पब्लिश किया है, इंस्टॉल करते हैं जब तक उसे। यहाँ से तमाम चीज़ें ओके, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट से हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ से इसे एग्जिट करते हैं। सिंपल सर्वर मैनेजर आ रहे हैं, हम कहाँ आते हैं, विंडोज 7 के कंप्यूटर पर जो क्लाइंट कंप्यूटर है। जब आपका क्लाइंट कंप्यूटर लॉगिन हो जाता है तो हमने कहाँ क्लिक करना है, जब सॉफ्टवेयर पब्लिश्ड है। स्टार्ट मेन्यू पे आने के बाद हमने कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से अनइंस्टॉलर प्रोग्राम हमें जैसे नजर आ रहा है यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं इंस्टॉलर प्रोग्राम फ्रॉम नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क से पब्लिश किया है। यहाँ क्लिक करते हैं तो उसूल एंड नोटपैड प्लस प्लस 6.9.1 जो वर्जन है वो नज़र आ रहा है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद
सिंपल, हम पहले से इंस्टॉल कर लेते हैं क्लाइंट कंप्यूटर पे। गाइस इंस्टॉलेशन कर ली, और इंस्टॉलेशन के बाद इस बात को जहन में रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट कंप्यूटर्स पर बंद करना चाहते हैं, जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ इस कंप्यूटर पे इस वजह से क्योंकि बाद में मैं चाहूँगा कि सर्वर से मैं इसको यहाँ बंद कर दूँ, क्लाइंट मेरी परमिशन के बगैर इसे यहाँ से ओपन भी ना कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सेम वर्जन है, जो सेम सॉफ्टवेयर है, वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स और साथ साथ हमारे सर्वर कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना लाजमी है। इसको फिनिश करते हैं, ये यहाँ हमने इंस्टॉल कर लिया, और आपको बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखें स्टार्ट मेन्यू पे आए, नोटपैड प्लस प्लस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखें गाइज ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर खुल गया। खुलने की वजह ये कि आपको इस बात का बताया जा रहा है कि देखें सॉफ्टवेयर यहाँ ओपन हो गया, अब हम इस पर पॉलिसी लगाएंगे इसको बंद करने की। तो हमने क्या किया, क्लाइंट कंप्यूटर फिल वक्त लॉग ऑफ किया, लॉग ऑफ करने के बाद हम आते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर पर, और सर्वर कंप्यूटर से अब हम पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि वो जो सॉफ्टवेयर जो आप थर्ड पार्टी, जो किसी तीसरे बंदे का हो, तीसरी कंपनी का हो, वो इस माइक्रोसॉफ्ट का अपना सॉफ्टवेयर ना हो, उसे अगर हमने बंद करवाना हो तो वो सॉफ्टवेयर हमारे सर्वर कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल होना लाजमी है, और हमारे वही सॉफ्टवेयर क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा, तभी ये पॉलिसी लगेगी। तो डेटे वाले फोल्डर पर आके हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर पर। सिंपल आई एक्सेप्ट नेक्स्ट जो नोटपैड प्लस प्लस है, और फिर स्टेप्स जानते हैं कि SRP कहाँ से कॉन्फिगर हो रहा है। हम यहां से इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद कैंसिल करते हैं गाइस। अब आते हैं हम टूल्स पर, और आने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर वाली पॉलिसी जो कि हमारी उसके ऊपर है, सॉफ्टवेयर वाले OU यानी यूजर फहाद पर है, इस पर राइट क्लिक करके एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद पॉलिसीज पे आते हैं। अब गाइस गौर करने वाली बात है, अब की दफा हमने सॉफ्टवेयर सेटिंग्स नहीं, विंडोज सेटिंग्स पे आने के बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स पे आना है, और आप देख सकते हैं कि SRP यानी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी हमारे पास यहाँ एक मेन्यू अवेलेबल है। इस पर हमने राइट क्लिक करके क्या करना है, न्यू सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी बनानी है। जैसे हम क्लिक करेंगे इसको खोलते हैं तो आप देखें यहाँ दो मजीद फोल्डर्स का इजाफा होता है। पहला फोल्डर है सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल तीन किस्म के, इस बात को आप जानिएगा, अगर डिसअलाउड कर दें तो सॉफ्टवेयर इजाज़त नहीं देते हैं हम उसे इस्तेमाल करने की। बेसिक यूज़र कर दें तो बेसिक यूज़र का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसके यूज़र के पास एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट्स नहीं हैं, यानी वो उसमें मॉडिफिकेशंस या तब्दीलियां नहीं कर सकता। अनरिस्ट्रिक्टेड यानी ये वो मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकें। तो तीन किस्म के कानून हैं। हम अगर एडिशनल रूल्स पे आएँ, यहाँ से हम कानून यानी पॉलिसीज बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे गौर कीजिएगा, हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास पॉलिसीज के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट रूल। सर्टिफिकेट रूल का मतलब वो है, अक्सर क्लाइंट कंप्यूटर्स और विंडोज सर्वर के दौरान एक सर्टिफिकेट बिल्ड होता है, यानी एक सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, यूजर नेम पासवर्ड जैसे हमारे पास होता है कि हम ऑथेंटिकेट कर सकें, ऐसे एक सर्टिफिकेट रूल होता है जो कि MCSE के टॉपिक सक जाता है। हमने फिल वक्त इस पर बात नहीं करनी, हम बात करेंगे हैश रूल पर, नेटवर्क जोन रूल पर और पैथ रूल पर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो है हैश रूल, ये वो ऑप्शन है जब आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बंद करना हो जो आपके सर्वर पर इंस्टॉल्ड हो और आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल्ड हो, जैसे अभी हमने नोटपैड प्लस प्लस किया। तो हमने हैश रूल पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से सिक्योरिटी लेवल क्या करना है आप पहले ये बता दें। मैंने कहा डिसअलाउड यानी बंद करना है, और ये पूछ रहा किस सॉफ्टवेयर को बंद करना है, तो हम ब्राउज करेंगे, और ब्राउज का मतलब ही ये है कि हमने उस सॉफ्टवेयर की लोकेशन बतानी है कि वो सॉफ्टवेयर बंद करना है क्लाइंट कंप्यूटर्स पर। तो जाहिर सी बात है लोकेशन बताने के लिए वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल होना लाजमी है। तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर नोटपैड प्लस प्लस आया हमारे पास। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके हम नीचे आते हैं, और जो इसका सॉफ्टवेयर का जो आइकन है मेन, उस पर क्लिक करके हम जैसे ओपन करेंगे तो और थोड़ा सा टाइम ये दरकार लेगा, यानी हमें थोड़ा वेट करना होता है ये तमाम फाइल्स को, क्यूरीज को रिजॉल्व करके यहाँ तक लाएगा। आप देख सकते हैं गाइस फाइल इन्फॉर्मेशन तमाम यहां आ गई, हो सकता है आपके पास कुछ टाइम दरकार करे, और होने के बाद हमने क्या किया इसको जैसे अप्लाई करते हैं तो यहां क्या बताता है, ये एट्रीब्यूट इसका साइज, इसका डेट एंड टाइम तमाम जो क्रिएट होगा वो यहां बता देगा कि लास्ट मॉडिफाई ये कब होता, फला फला तारीख जो भी हमारा टाइम एंड डेट होगा। हम जैसे इसको ओके करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हैश रूल हमारे पास यहां पर डिसअलाउड की एक पॉलिसी अप्लाइड है जो कि नोट प्लस प्लस पर है। हमने स्टार्ट आर का बटन दबाया, GP अपडेट करते हैं, स्टार्ट आर GP अपडेट, ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाए, और उसको फिर देखते हैं क्या नोटपैड प्लस प्लस हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स पर ओपन हो रहा है या नहीं। हमने यहाँ से कैंसिल किया, विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर पे आके कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करते हैं, और फहाद यूजर जो है विन 2008। गाइस देख सकते हैं कि हमारा यूजर लॉगिन हुआ, और स्टार्ट मेन्यू पे आके हमने जैसे नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं और क्या
एरर जनरेट करता है। अब ये जो प्रोग्राम है वो अब ब्लॉक्ड है ग्रुप पॉलिसी से। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें। ये एक एरर हमें जनरेट करता है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप पॉलिसी से ये बात बंद कर दी, पॉलिसी से सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया। ठीक है, अब एक और बात गौर कीजिएगा, स्टार्ट ई करते हैं हम। माई कंप्यूटर में मैं सी ड्राइव पर आता हूँ। सी ड्राइव पर आने के बाद गाइस क्लाइंट कंप्यूटर पर मैं कहाँ आता हूँ? विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर एक फोल्डर होता है सिस्टम 32 का, वहाँ तक हम आते हैं। और सिस्टम 32 के अंदर एक सिंपल हमारे पास नोटपैड फाइल होती है। अगर मैं इसको ढूंढूं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये जो है ये सिंपल एक लोकेशन है। देखिए, हम पहले कंप्यूटर पर आए, फिर सी ड्राइव पर आए, फिर विंडोज़ पर, और सिस्टम 32 पर आने के बाद ये नोटपैड है। गाइस, लोकेशन को हम इंग्लिश में पैथ भी कहते हैं, PATH, यानी एक रास्ता। तो बेसिकली ये एक रास्ता है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने रास्ते हैं ना, यानी सी ड्राइव या विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज सर्वर हो या विंडोज 10 हो, उसमें नोटपैड की जो लोकेशन है वो सबके अंदर यही है, वो विंडोज के फोल्डर सिस्टम 32 के अंदर होता है। तो इस किस्म की सिक्योरिटीज को लगाने के लिए जो पैथ की सिक्योरिटीज हैं, हम विंडोज सर्वर के ऊपर आकर राइट क्लिक करके किस पैथ को सिलेक्ट करेंगे, कौन से रूल को सिलेक्ट करेंगे, पैथ रूल, यानी रास्ते को बंद करो। अब वो रास्ते को कैसे बंद करें इस पर जरा बात करते हैं। विंडोज कंप्यूटर पर आए, यानी क्लाइंट कंप्यूटर पर, नोटपैड पर डबल क्लिक करते हैं तो देखें नोटपैड खुल गया। लेकिन अगर हम जो विंडोज का अपनी चीजों को बंद करना चाहें तो वो कैसे बंद करें ये गौर करें। हमने क्लाइंट कंप्यूटर को लॉग ऑफ किया और यहां से सर्वर कंप्यूटर पे हमने राइट क्लिक करके न्यू पैथ रूल पे क्लिक करते हैं, यानी रास्ता बंद करवाना हो तो ब्राउज करवाते हैं। हमने कहा दिस पीसी इस कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर विंडोज के फोल्डर में सिस्टम 32 है। हम यहां से सर्च करते हैं, हमने कहा सिस्टम 32 के अंदर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि वाजे नजर आए। हम कहते हैं नोटपैड की एक फाइल है और यहां से आ जाते हैं हम नीचे। और अब आप देख सकते हैं कि नोटपैड वाली फाइल को हमने क्लिक करके जैसे यहाँ से ओके करते हैं तो हमने पूरी लोकेशन को देख लिया और इसका सिक्योरिटी लेवल भी, इसको डिसअलाउड करा। डिस्क्रिप्शन में चाहे कुछ भी लिख लें, जैसे हमने लिखा ब्लॉक करना है, हम अप्लाई करते हैं तो इसकी भी हमारी पूरी लोकेशन यानी डेट आ गई कि कब से इसको पाबंदी आयद की है। ओके करते हैं गाइज, तो इस OU के ऊपर ये क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। हमने स्टार्ट आर करके GP अपडेट करते हैं गाइज, और GP अपडेट करने के बाद वहां पर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी हमारी काम कर रही है या नहीं। हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहां क्लाइंट कंप्यूटर पे आके कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट करते हैं। फहद जो यूजर है, WIN2008 पासवर्ड देने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब अगर हम स्टार्ट कंप्यूटर पे क्लिक करें और यहां से जो इसका अपना नॉर्मल नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस नहीं, अगर उस नॉर्मल नोटपैड पे भी क्लिक करके ओपन करना चाहें तो ये पॉलिसी भी अब बंद है क्योंकि हमने वहां से हैश रूल और पैथ रूल को सही मायनों में डिस्कस किया। ऐसे एक और हमारे पास फाइनल रूल है, राइट क्लिक करके अगर हम क्लिक करें नेटवर्क जोन रूल, तो जो ट्रस्टेड साइट्स होती हैं उनको बंद करवाना हो यहाँ से बंद कर सकते हैं, लोकल कंप्यूटर्स का इंटरनेट बंद करना वो बंद कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं उन पे पाबंदी आयद करनी वो कर सकते हैं, फिर ये नेटवर्किंग की साइड आ जाएगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है यानी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अगर SRP के थ्रू बंद करना हो तो हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कैसे उनके ऊपर मॉडिफिकेशंस या इजाजत दे सकते हैं और उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आया हो, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 का यहाँ एंड हो गया, ग्रुप पॉलिसी पार्ट 3 करते हैं, GPOs को हम एंड करते हैं। ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फी अमानिल्लाह।